नमस्ते भारत। कोविड की दूसरी लहर जब भारतवर्ष के अंदर आई तो साक्षात यमराज के दर्शन ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को हुए और मौत घर के अंदर सबके सरों पर मंडराती हुई नजर आई। उस वक्त हर सामान्य नागरिक की यही कोशिश थी कि वो किस प्रकार से अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने आसपास वालों की रक्षा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद जिस भी स्तर पर हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। और हर व्यक्ति की यही अपेक्षा और उम्मीद थी अपनी सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, कि वो लोगों की सांसों को उखड़ने से बचा सकें, लोगों की जानों को बचा सकें, लोगों के लिए भगवान बन करके उनकी सुरक्षा कवच उनके आगे बन करके उनके सामने रहे, ना कि यमराज बने। ये उम्मीद लोगों के मन में थी। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, दिल्ली की वो सरकार जिसको इतना बड़ा लैंडस्लाइड मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया, उसने लोगों की सुरक्षा कवच बनने के बजाय यमराज बन करके भैंसे पर बैठकर लोगों के प्राण हरने का काम किया। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली छटपटाई, दिल्ली ने त्राही मम करा, दिल्ली में इतनी मृत्यु हुई, दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, रेमडेसिविर नहीं मिली, लोग लगातार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, SOS कॉल्स, SOS मैसेजेस, SOS ट्वीट्स जा रहे थे। मुझे याद है कि उन कुछ दिनों में, 8-10 दिनों में मैं खुद इतना परेशान रहती थी क्योंकि लगातार फ़ोन बजते रहता था और लोग सिर्फ और सिर्फ मदद की गुहार करते थे। किसी को बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी और ऑक्सीजन मिल नहीं पाती थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स किसी प्रकार से मैनेज करो तो भरने को नहीं मिलती थी। दिल्ली देश की राजधानी की हालत थी। और उस वक्त दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चैनल्स पर आकर के चमका रहे थे। अब जो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी थी, उसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करी है और उन्होंने भी जो सच बोला है वो सच है, जो मैं एटलीस्ट लगातार हर चैनल पर उस वक्त जाकर के बोलती थी कि दिल्ली की सरकार ने बहुत बड़ा झूठ लोगों की जान के ऊपर बोला है, लोगों के लाशों के ऊपर राजनीति करी, उखड़ती हुई सांसों के ऊपर राजनीति करी। जो दिल्ली की पर डे की ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पर डे मेट्रिक टन की जो आवश्यकता थी, उसको 4 गुना बढ़ा करके केंद्र की सरकार को बताया। मेरे आप पुराने अगर किसी भी डिबेट के क्लिप्स निकाल करके देखेंगे, मैंने अभी कल एक ट्वीट को RTB किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, उसको आप सुनिएगा। मैं लगातार ये बोलती रही थी कि अगर हम दिल्ली के ICU और नॉन ICU बेड्स को कैलकुलेट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 415 या 420 मेट्रिक टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, सारी पिलफ्रेज वगैरह सब कुछ अगर हम कैलकुलेट करें तो। लेकिन राघव चड्ढा ने 900 मेट्रिक टन की मांग करी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 700 मेट्रिक टन की मांग करी, जबकि 415 मैक्सिमम चाहिए थी पर डे की रिक्वायरमेंट। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, इतने तमाशे करे। जो अलॉटेड क्या ऑक्सीजन थी, जो केंद्र इनको ऑक्सीजन दे रहा था, उसको नहीं ये लेकर के आए। इनके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं थे, क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए ऐड दे करके तमाशा कर रहे थे, जनता से बोल रहे थे हमें दे दो, जैसे जनता अपने घर के बाहर अपनी गाड़ियों 4-व्हीलर के बजाय क्रायोजेनिक टैंकर्स खड़े करके रखती है। इतना इन्होंने तमाशा किया और अब इनको सुप्रीम कोर्ट की उस कमिटी ने बहुत बड़ा फटकार दिया है। मतलब अब फटकार देने का क्या मतलब है, बहुत लोगों की जान चली गई ना, बहुत लोग इस तमाशे, इस राजनीति, घटिया और गंदी और सस्ती ओछी राजनीति जो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार ने करी, उससे बहुत परिवार बर्बाद हो, बहुत लोगों के सर से साया चला गया, बहुत लोग जिंदगी की जंग हार गए क्योंकि एक व्यक्ति को राजनीति करनी थी। केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना था, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और इनकी वजह से 12 राज्यों को कम ऑक्सीजन की सप्लाई मिली क्योंकि आपूर्ति दिल्ली के अंदर करनी है। उस वक्त मुझे याद है तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था कि हमें नहीं पता, तुम हर दिन इनको 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दो। और तब तमाम हम लोग चैनल पर जा करके यही बोलते थे कि झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों के साथ खेल रहे हैं, प्लीज़ इनकी बात पर विश्वास मत करो। अगर ये फैक्चुअल डेटा है, ये कैलकुलेटेड डेटा है, सारे बेड्स को मिला करके इनको नहीं रिक्वायरमेंट है 700 या 900 की, 415 मेट्रिक टन पर डे इनको चाहिए। लेकिन एनीवेज केंद्र की सरकार ने बाकी जगह की कम कटौती करी, कम करी और यहाँ पर भेजा। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकती हूँ। उत्तर प्रदेश को दिल्ली के कारण 225 मेट्रिक टन कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई थी,
और इसलिए यूपी को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। यूपी जिसको इतनी अच्छी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी मैनेज कर रहे हैं, यूपी जिसके ऊपर ये लेफ्ट लिबरल कवाल इन तमाम लोगों ने इतनी गंदी और घटिया राजनीति करी, उसको बहुत बड़ा खामियाजा अरविंद केजरीवाल की गंदी और छोटी जो राजनीति है उसके कारण झेलना पड़ा। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी पर डे की, वो रिक्वायरमेंट से उनको 225 मेट्रिक टन कम मिल रहा था। 825 मेट्रिक टन उन्होंने केंद्र से मांगा था, 600 उनको मिल रहा था। अब इसका जो खामियाजा है ये कौन भुगतेगा? जो लोग मर गए उसको उसकी सजा किसको मिलेगी? क्या मिस्टर केजरीवाल को नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो इस गुनाह के सबसे बड़े गुनहगार नहीं है? क्या उनके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? क्या उनको लोगों की जो मृत्यु हुई है उनका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या उनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करो, रंज के करो, लेकिन लोगों के ऊपर इस तरीके की घटिया और सस्ती राजनीति अगर करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो ये घिनौना चेहरा आप सब लोगों ने राजनीति के नाम पर देखा है उसको ज़रूर एक्सपोज कीजिए। मुझे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत राजनीति गद्दी सत्ता कुर्सी के नाम पर करेगा और अपनी सत्ता का अपनी जनता का मैंडेट का नाजायज फायदा और गलत फायदा उठाएंगे तो फिर उसके बारे में डेफिनेटली बोला जाएगा। मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा और इस विषय पर ड्यू डिलिजेंस जो होते हैं, जितनी भी फैक्ट चेक्स होते हैं, वो करके आगे लगातार बोलिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से मैं उपस्थित होंगी। तब तक कृपया अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और जो बात मैं लगातार आपसे बोलती हूँ, अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए सुरक्षित रहिए, प्रिकॉशन लेते रहिए, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, लोगों की मदद अगर किसी को रिक्वायरमेंट है छोटे बड़े स्तर पर करते रहिए और अपना मास्क भी पहनिए, जो दूरी है उसको बना करके रखिए। जल्द ही दोबारा से मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।